हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। यह पौधा देव तुल्य माना गया है क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी यानी कि धन की देवी का दर्जा दिया गया है। जाहिर है दोस्तों अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है तो आपको देवी लक्ष्मी स्वरूप तुलसी के पौधे की पूजा करने और तुलसी से जुड़े उपाय करने से अत्यंत लाभ होगा। मगर दोस्तों उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि तुलसी से जुड़े प्रमुख नियम और वास्तु ज्योतिष शास्त्र में क्या बताए गए हैं। दोस्तों इन सभी वास्तु को जानकर और इन सभी नियमों को करकर आप अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों का हल चुटकियों में पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते आपको बताते हैं तुलसी से जुड़े 20 महत्वपूर्ण वास्तु उपाय। दोस्तों यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना होता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और ऐसा कहा गया है कि अगर आप कार्तिक माह में तुलसी का पौधा घर लाते हैं तो लक्ष्मी जी भी आपके घर पे आती है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा कार्तिक माह में किसी भी गुरुवार के दिन घर पर लेकर आएं और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है और श्री विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी से अति प्रिय है। दोस्तों भूल से भी तुलसी का पौधा घर की दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये दिशा पितरों से संबंधित होती है। यदि आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपके भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। दोस्तों कभी भी घर के प्रवेश द्वार, आंगन या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कूड़ा कबाड़ा या जूते चप्पल उतारे जाते हो वहाँ पर तुलसी का पौधा कतई न लगाएं। आप घर की बालकोनी, खिड़की या छत पर तुलसी का पौधा रख सकते हैं मगर दोस्तों वास्तु शास्त्र में बताई गई दिशा का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों ईशान कोण में भी आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यहाँ पर तुलसी की मौजूदगी आपको सकारात्मक परिणाम देगी। वहीं हमेशा मिट्टी के गमले में ही तुलसी का पौधा लगाएं। कभी भी प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल ना करें और तुलसी के गमले को गेरू रंग से हरे हो सके तो इसमें चूना या हल्दी से जरूर लिखें। दोस्तों तुलसी को सिंदूर अर्पित करने को लेकर भी काफी भ्रम है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के मुताबिक तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जा सकता है। आप तुलसी को पक्का सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। वहीं आप नियमित तुलसी की पूजा कर सकते हैं मगर संध्या के समय तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। इसके अलावा आपको एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों तुलसी को जल अर्पित करने के साथ ही कच्चा दूध भी अर्पित किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कच्चा दूध अर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है। दोस्तों तुलसी जी को जब भी जल अर्पित करें तो इस मंत्र महाप्रसाद जननी स्वर सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तव नमस्तुत्वे का उच्चारण जरूर करें। यदि आप तुलसी जी की रोज परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय मात्र 3 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित करें और फिर तुलसी को जल चढ़ाएं। दोस्तों तुलसी के पत्ते श्री गणेश और महादेव के अलावा आप हर देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। वहीं तुलसी का पौधा बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना गया है। दोस्तों तुलसी के पौधे को आप 15 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के पास रख सकते हैं। पत्ती के सूख जाने पर आप उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। वहीं तुलसी को आमतौर पर लोग लाल रंग की चुनरी अर्पित करते हैं मगर दोस्तों ये मंगल ग्रह का रंग है और तुलसी बुध का कारक है। बुध और मंगल ग्रह मित्र नहीं हो सकते। बुध और ग्रह शुक्र और शनि है इसलिए सफेद चमकीली नीले रंग की चुनरी तुलसी जी को अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे रसोई घर या बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। आप पूजा के कमरे की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। वहीं तुलसी के पौधों की संख्या हमेशा ऑड संख्या में रखें, यानी कि 1, 3, 5 या 7 पौधे आप लगा सकते हैं। कभी भी 2, 4, 6 इस संख्या में तुलसी के पौधे घर पर ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों अशुद्ध हाथों से कभी भी तुलसी के पौधे पर हाथ न लगाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको तुलसी के पौधे से जुड़े ये वास्तु टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही लाइक भी कीजिएगा।